हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फिफ्टी थ्री सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन में इफेक्ट ऑफ और प्लेज बाय बायो सेक्शन वन क्या है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द अनफेयर सेलर्स राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स विच हैज असेंटेड देयर टू इसमें कहा गया है जो अनपेड सेलर का राइट right होता है लाइन का और इस्टॉपेज इन ट्रांसिट का जो राइट right होता है उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर बाहर के द्वारा कोई सेल कर दी जाती है या प्लेज कर दिया जाता है उस पर सेलर सेलर के जो राइट्स right होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं अनलेस द सेलर असेंटेड देयर टू जब तक कि सेलर असेंट नहीं दे देता है प्रोवाइडेड दैट Where a document of title to goods has ऑफ टाइटल or गुड्स transferred और any person टू एनी पर्सन owner बायर और goods ऑफ द गुड्स एंड दैट पर्सन ट्रांसफर्स द person टू takes the document इन good faith एंड फॉर consideration इसमें कहा गया है जहां पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भेज दिए जाते हैं बायर को या कि उसके एजेंट को और वो बायर किसी और को ट्रांसफर कर देता है डॉक्यूमेंट्स हु टेक्स द डॉक्यूमेंट जो उन डॉक्यूमेंट्स को गुड फेथ में लेता है दैन इफ सच लास्ट मैंशन ट्रांसफर वॉज बाय वे ऑफ सेल जो लास्ट मैंशन ट्रांसफर हुआ है मतलब जो बायर से किसी और व्यक्ति को डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिए गए हैं वो या बाई वे ऑफ सेल हुआ है द अनपेड सेलर राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफीटेड जो अनपेड सेलर का राइट right होता है लाइन का या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का जो राइट right होता है वो खत्म हो जाता है एंड इफ सच लास्ट मैंशन ट्रांसफर वाज बाय वे ऑफ प्लेज और अगर द, अगर बायर ने किसी और व्यक्ति को प्लेज के द्वारा दिए हैं डॉक्यूमेंट टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और अदर डिस्पोजिशन फॉर वैल्यू द अनपेड सेलर राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांसिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज जो अनपेड सेलर का राइट ऑफ दा लाइन का और स्टॉपेज इन ट्रांसिट का वो तभी एक्सरसाइज कर जा सकते हैं जब सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफ्री ट्रांसफरी के राइट्स में राइट्स right, को सब्जेक्ट करने के बाद सबसेक्शन टू कहता है वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज जहाँ पर ट्रांसफर प्लेज के द्वारा किया गया है द अनपेड सैलर में रिक्वायर द्लज यू टू हैव द अमाउंट सिक्योर्ड बाय प्लेज, सटिस्फाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस एज फार एज पॉसिबल आउट ऑफ एनी अदर गुड्स और सिक्योरिटीज ऑफ द बायो इन देंड्स ऑफ द प्लेज और अवेलेबल एंड अवेलेबल अगेंस्ट द बायो इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ और सेलर्स राइट ऑन सेलर्स राइट सबसेल का क्या इफेक्ट होता है सेलर्स के राइट right पर द अनपेड सेलर राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स बाय द अनपेड सेलर के राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट नहीं होते हैं कोई और सेल करने के बाद बायर की इसमें केस है बॉर्डं ब्रदर्स वर्सेज ब्रिटिश ऑयल एंड केक मिल्स एंड ऑयल मर्चेंट सोल्ट अ क्वान्टिटी ऑफ ऑयल टू बी विदाउट अप्रोप्रिएटिंग एनी पर्टिकुलर ऑयल टू द कॉन्ट्रैक्ट बी सोल्ट सम ऑफ इट टू सी एंड गेव हिम अ डिलीवरी ऑर्डर एंड ऑयल मर्चेंट एंड अ क्वान्टिटी ऑफ ऑयल टू बी ऑयल मर्चेंट ने बी को ऑयल की कुछ क्वान्टिटी सोल्ट की जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पर्टिकुलर ऑयल नहीं दिखा था और बी ने वही क्वान्टिटी सी को डिसअप्लाई कर दी और उसे डिलीवरी ऑर्डर दे दिया सी लॉज ट डिलीवरी ऑर्डर विद द मर्चेंट रिक्वेस्टिंग टू अवेस्ट अवेट हिज ऑर्डर मर्चेंट हुआ बी ने उसे पे नहीं किया वो अनपेड सेलर हो गया इट वॉज हेल्ड द मर्चेंट लाइन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वॉज नॉट डिफिटेड बाई बी सेल टू सी एंड ही कुटेन द गुड टिल द प्राइज वॉज पेड जो बी का जो मर्चेंट का राइट था राइट ऑफ लाइन का वो डिफीट नहीं हुआ है बी क्योंकि बी ने सी को सेल कराया वो डिफीट नहीं हुआ है और वो अपने पास गुड्स को रख सकता है जब तक कि प्राइस को पे नहीं कर दिया जाता है वैन सेलर्स राइट डिफीटेड सेलर्स के राइट right कब डिफीट होंगे सेलर्स की कंसेंट से 53 सब सेक्शन 1 में जो कहा गया है और ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल 52 प्रोविज़ो में जो कहा गया है 53 प्रोविज़ो सेलर्स कंसेंट कंसेंट वेयर द बायर सेल्स और मेक्स अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द बायर दैट इज बाइंडिंग ऑन द सेलर जहाँ पर जो बायर होता है वो सेल करता है सेलर की कंसेंट से तो वो सेलर के जो राइट्स होते हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं इसमें केस है डी एफ माउंट लिमिटेड वर्सेज जे एंड जे प्रोविजन्स कंपनी लिमिटेड The defendants purchased five hundred cartoons of timed peaches and left them with a storage company. They then sold two fifty of them to one M for the purpose of resale by M to one of his customers. M told the defendants that they would be paid.

सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल वैन द सेलर हैज इशूड टू द बायर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स एंड ही हैज सोल्ड और टू द गुड्स ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल दैन इन द केस ऑफ सेल द राइट्स ऑफ लाइन एंड स्टॉपेज इन ट्रांसिट आर डिफीटेड एंड इन केस ऑफ प्लेज हिज बिकम सब्जेक्ट टू द प्लेज जहां पर सेलर ने इश्यू कर दिया है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल बायर को एंड ही सोल्ड और बायर ने उसे सोल्ड या प्लेज कर दिए गए हैं तो इस केस में सेलर्स के जो राइट होता है लाइन और स्ट्रॉप इन ट्रांजिट वो खत्म हो जाते हैं इन केस ऑफ प्लेज़ हिज राइट बिकम सब्जेक्ट टू द प्लेज और प्लेज के केस में उसके राइट सब्जेक्ट टू तो द प्लेज हो जाते हैं इट इज द ट्रांसफर शुड एक्ट ट्रांसफर शुड एक्ट इन गुड फेथ एंड शुड हैव गिवन वैल्यू फॉर द गुड्स ये जरूरी है जिस जिसे ट्रांसफर किए गए हैं मींस ट्रांसफरी वो गुड फेथ में एक्ट करें एंड शुड हैव गिवन वैल्यू टू द गुड्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ 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 कोर्स इंक्लूडिंग बिल बिल को इंक्लूड करते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल आज की वीडियो में इतना ही इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन फिफ्टी राइट ऑफ रीसेल आई होप आपको कुछ इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर